विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का है, जहां एक परिवादी ने पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 1 जून 2022 को दोपहर को बाबू महाराज मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर वापस अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में मुलजिम दीपक पुत्र रामफुल ने उसकी नाबालिग पुत्री को जबरन रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर आरोपी दीपक मौके से भाग गया। पीड़ित पुत्री ने घटना की जानकारी घर पर आकर परिजनों को दी। पुलिस ने ममता दर्ज आपको बता रही कि मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान मुलजिम दीपक को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश कर चालान पेश किया। मुलजिम दीपक पॉक्सो कोर्ट से जमानत पर चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 8 गवाह पेश किए गए और आज शुक्रवार को न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की 22 और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुलजिम दीपक को आईपीसी की धारा 341 में 1 माह का कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 10 माह जून 2022 में थाना बसेड़ी में दर्ज हुए मुकदमा संख्या 254/22 में बाबू महाराज पर प्रसाद चढ़ाकर लौट रही नाबालिग को जबरन रास्ते में रोककर जबरन छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़ने के आरोपी दीपक पुत्र रामपुल को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में आज दिनांक 14/7/2023 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने फैसला सुनाते हुए सुनाया 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,500 रुपए के जुर्माने से किया दंडित।